गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ आरबीएससी, जो हमारी बुक है फर्स्ट गोल्डन रेज इंग्लिश बुक, उसके बारे में, उसकी जो सेकंड नंबर की पोइम है हमारी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी पोइम का टाइटल है माय गुड राइट हैंड। सबसे पहले मैं गुड राइट हैंड का मतलब बता देती हूँ। गुड राइट हैंड का मतलब होता है कि हमारी जो सेल्फ हेल्प है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें जो है वो इसका मतलब होता है, यानी सेल्फ हेल्प करना, खुद की हेल्प करना, इससे मतलब है माय गुड राइट हैंड का। ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी पोइम है काफी शॉर्ट एंड स्वीट है। इसका जो पोइट है वो है हमारे चार्ल्स मैकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइट जो है वो हमें कहता है आई फेल इन टू ग्रिफ, यानी आई यानी मैं, फेल यानी गिर गया, इन टू ग्रिफ गरीबी में, दुखों में, सोरोज में मैं गिर गया, एंड बिगन टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा, सबसे कंप्लेन करने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और जब मैं ग्रिफ में और कंप्लेन में, जब मैं दुखों में और शिकायतों में घिर गया, तो मैंने एक ऐसे फ्रेंड की तलाश करनी शुरू कर दी जो कि मेरी गरीबी से, मेरे ग्रिफ से, सोरोज से और मेरी कंप्लेंट से निकलने में मेरी हेल्प कर सके। बट लेकिन आई सॉट हिम इन वैन, शॉर्ट यानी खोज करना, ढूंढना, सर्च आउट करना, लेकिन मैंने ढूंढा, खूब खोजा उसको, इन वैन हिम यानी ऐसा फ्रेंड जो मेरी हेल्प कर सके, ऐसे एक दोस्त को मैंने ढूंढा, लेकिन मैं वैन यानी फेल रहा इस चीज में, मैं असफल रहा, मुझे यानी मुझे सच्चा दोस्त नहीं मिला, ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरी गरीबी के दिनों में, मेरे ग्रिफ टाइम में, मेरे दुखों में, मेरी सफरिंग्स में एंड मेरी कंप्लेंट्स में मेरी मदद कर सके, मेरी हेल्प कर सके, कुछ फाइनेंशियल हेल्प वो मेरी कर सके। मैंने ऐसा फ्रेंड ढूंढने की खूब कोशिश की, खूब लुक्ड फॉर किया, मैंने खूब खोजा। देखिए, लुक्ड फॉर जो है ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है ढूंढना, फाइंड आउट करना, लेकिन मुझे एक ऐसा दोस्त, सच्चा दोस्त नहीं मिला जो मुझे मेरे दुखों से उबार सके और मेरी सहायता कर सके, ऐसा दोस्त ढूंढ पाने में मैं असफल रहा, मैं फेल रहा। अब देखिए वो कहता है आगे, पोइट जो है वो अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है कंपेनियंस यानी साथी, मेरे मित्रगण, मेरे फ्रेंड्स जो थे वर शाई, कुछ तो ऐसे थे शाई, देखिए यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, SHY, तो ये जो शाई यानी शर्मीले थे, कुछ कैसे थे मेरे कंपेनियंस, मेरे जो साथी थे वो शाई थे, शर्मीले थे, एंड एक्विंटेंसेस वर कोल्ड। एक्विंटेंसेस का मतलब होता है, इसमें ये लिखा हुआ है ACQUINTANCE, एक्विंटेंसेस वर कोल्ड, और मेरे जो परिचित लोग थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो परिचित लोग थे वो कैसे थे, कोल्ड। कोल्ड यानी होता है जैसे रूखे थे बिल्कुल, यानी मेरी कोई चाहकर भी कोई हेल्प नहीं करना चाहते थे, यानी मुझसे उन्हें कोई मतलब नहीं था, यानी मेरे जो कंपेनियंस थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो शर्मीले थे, और उन्हें तो शर्म महसूस हो रही थी मुझे अपना दोस्त बताने में, क्योंकि मैं कहाँ था, मैं कैसा था, मैं गरीबी से घिरा हुआ था, दुखों में घिरा हुआ था, इसीलिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे अपना दोस्त कहने में, और मेरे जो परिचित थे वो मुझसे रूठ गए थे, मुझसे दूर चले गए थे, मेरी हेल्प करने की अपेक्षा मुझे अपना दोस्त बनाने में उन्हें भी हिचकिचाहट हो रही थी। द गेव मी गुड कंसल, मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे जो एक्वेंटेंसेस थे, मेरे जो परिचित लोग थे, मुझसे जो फेमिलियर पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ द गेव मी, उन्होंने, किसने, मेरे कंपेनियंस ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे साथियों ने, और मेरे जो एक्वेंटेंसेस थे, जो मेरे परिचित लोग थे, उन्होंने, ये जो द रेफर हुआ है इन दोनों के लिए हुआ है, तो ये जो लोग थे वो गेव मी, उन्होंने मुझे के दी, क्या दी, गुड काउंसिल यानी अच्छी एडवाइस दी, अच्छी सलाह दी कि तुम यहाँ जाओ, वहां जाओ, तुम ये काम करो, तुम इसके पास जाओ, इससे हेल्प मांगो, लेकिन बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड यानी डरते थे, फियर्ड थे यानी डरे हुए थे, वो किससे डरे हुए थे, देयर गोल्ड, गोल्ड से मतलब है मनी, अपना रुपया, अपनी हेल्प यानी रुपया, पैसा, मनी देने से वो डर रहे थे,
कि हम कैसे दे दें। यानी उन्होंने खुद ने तो हेल्प की नहीं, बल्कि वो सिर्फ मुझे झूठी सलाह देते रहे। और यहाँ झूठी सलाह से मतलब हम लिख सकते हैं लिप, यहाँ हम बता सकते हैं कि जैसे लिप सिंपैथी, लिप सिंपैथी का मतलब होता है कि झूठी सलाह ही सिर्फ वो मुझे देते रहे कि तुम यहाँ चले जाओ, इससे हेल्प मांगो, लेकिन खुद ने कोई हेल्प नहीं की। यानी अपना मनी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, पोइट अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए आगे कहता है इस पोइम में, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। पोइट कहता है, मेरे जब फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया रिलेटिव्स ने, तो मैंने क्या किया, आई एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड यानी मैं चिल्लाया, गुस्से से, दुख से, गुस्से से एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया, लेट देम गो, उनको जाने दो, उनको रहने दो, उनको छोड़ो, उनका छोड़ो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक बहुत अच्छा दोस्त है। और वो दोस्त कौन सा है, देखिए आगे वो कहता है, टू लिफ्ट मी, जो कि मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, और मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प करेगा, व्हाट एवर बी टाइड, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, बी टाइड का मतलब होता है हैपन्ड हो जाए, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, हैपन्ड हो जाए, ये जो मेरा दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो मेरी हेल्प करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना, टू द वर्ल्ड इस दुनिया पर, इस टू बिल्ड निर्माण करने के बराबर है ऑन द सैंड, सैंड यानी मिट्टी पर। जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी के ऊपर क्या नहीं किया जा सकता, किसी महल का, किसी बड़ी बिल्डिंग का, वर्स्ट बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती, उसी तरीके से इस दुनिया के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन पर विश्वास करने का मतलब है बालू रेत के ऊपर, सैंड जो होती है उसके ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण करना, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो अपने दोस्त, इस दुनिया में जितने भी दोस्त हैं, उन पर भरोसा करना भी, ट्रस्ट करना भी अविश्वसनीय है, इम्पॉसिबल है। आई शैल ट्रस्ट बट इन हैवन एंड माई गुड राइट हैंड। आगे देखिए पोइट कहता है, मैं विश्वास करूंगा, करता हूं, बट इन हैवन, हैवन से मतलब है यहाँ गॉड से, कि केवल ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे सिर्फ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ हेल्प है, उस पर मैं भरोसा करता हूँ। तो देखिए इसको हम दोबारा देखते हैं, लेट देम गो, जब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, सिर्फ लिप सिंपैथी दिखाई पोइट के प्रति, तो वो कहता है कि आई एक्सक्लेम्ड, मैं क्रोध से चिल्लाया, लेट देम गो, उन सबको जाने दो, रहने दो, आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास भी एक अच्छा दोस्त है, जो कि मेरी साइड में है, मेरे बगल में है, जो कि टू लिफ्ट मी, जो कि मुझे उठाएगा, एंड एड मी, मेरी हेल्प करेगा, यानी ऊपर उठाएगा, मेरी हेल्प करेगा, एंड वॉट एवर बी टाइड, चाहे कुछ भी हैपन हो जाए, कुछ भी घटित हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया के लोगों पर भरोसा करने का मतलब है मिट्टी के ऊपर बड़े महल का निर्माण करना, बड़े बिल्डिंग का खड़ा करना। आई शैल ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, और वो जो मेरा फ्रेंड है, वो कौन सा है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वो है एक तो गॉड, और दूसरा है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरी जो टॉयल है, मेरा जो वर्किंग हार्ड है, यानी कठिन मेहनत जो मेरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरी सेल्फ हेल्प है, वो ही, ये दो चीजें ही मेरी अच्छी दोस्त है, और कोई नहीं है जो कि इन दुखों से मेरी हेल्प करेगा। अब आगे देखिए पोइट आगे की लाइन में, आगे के पैराग्राफ में कहता है, माय करेज रिवाइव्ड। रिवाइव यानी होता है पुनः अवेकन होना, पुनः जागृत होना, माय करेज रिवाइव्ड। पोइट कहता है कि जब इस तरीके से मेरा इस तरीके से मुझे बहुत सारे दुख मिले, सोरोज मिले इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, तो मेरी जो सांस था, मेरी जो डेयर था, मेरी जो हिम्मत थी, वो दोबारा जागृत हो गई। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, फॉर्चून डिस्पाइट का मतलब होता है मेरे दुर्भाग्य, इन स्पाइट ऑफ माई मिसफॉर्चून, यानी मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरी जो साहस व हिम्मत थी वो पुनः जागृत हो गई, अवेकन हो गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रोंग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा जो हैंड था, यानी मेरी जो मेहनत थी, मेरा जो हार्डवर्क था, वो उतना ही मजबूत होता जा रहा था जितना कि मेरी जो स्पिरिट थी वो प्रसन्न थी, लाइट थी, यानी उसमें लाइट थी, रोशनी थी, यानी मैं मेरी जो मन स्थिति है, यानी मेरी जो मन की स्थिति है, मैंने जो दृढ़ निश्चय कर लिया था, मैंने जो डिटरमाइंड कर लिया था, वो जितना स्ट्रोंग था उतना ही मेरा जो हैंड है वो स्ट्रोंग था, यानी मेरी जो मेहनत करने की जो इच्छा थी, विल पावर थी मेरी, वो स्ट्रोंग होती जा रही
थी, यानी मुझे किसी न किसी तरीके से क्या करना था, मुझे फॉर्चून डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के दिनों के बावजूद, मेरी गरीबी के बावजूद, मेरे सोरोज के बावजूद, मुझे क्या करना था, मुझे इन सबसे दूर ऊपर उठना था, उभरना था, और अपने जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको कुछ करके दिखाना था, उनसे आगे निकल जाना था। ऐसा एक दृढ़ निश्चय, डिटरमिंड की जो फीलिंग है वो मेरे माइंड में आ गई थी। इसीलिए मैं मेहनत किए जा रहा था और अपने हैंड पर, अपनी मेहनत पर, हार्ड वर्क पर अटल था। इट रेजेज मी फ्रॉम सोरो। मुझे अब पोएट आगे कहता है एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो फीलिंग्स हैं कौन कौन सी, ये जो दो चीजें हैं कौन सी, एक तो सेल्फ हेल्प और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है, और मेरी जो हार्ड वर्क की जो फीलिंग है, ये दोनों ही क्या करेंगे, इट रेजेज मी, इट से मतलब इन दोनों से है, रेज जो मतलब उठाएंगी, क्या कहां से उठाएंगे, मी मुझे, फ्रॉम सोरो दुखों से, दुख से, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और यही मुझे अपनी सफरिंग्स से, अपनी पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाएंगी, बचाएंगी। इट फेड मी, यही मुझे क्या करेंगी, भर पेट खाना खिलाएंगी, मेरी हेल्प करेंगी। एंड क्लेड मी, क्लेड मी यानी ड्रेस, मुझे ड्रेस्ड करेंगी, मुझे ड्रेस इज इन्हीं से मिलेगी। एंड अगेन पूरी तरह कंप्लीटली, यानी मैं पूरी तरह से यदि प्रिजर्व होऊंगा, या मैं सुरक्षित रहूंगा, सेव्ड रहूंगा, सेफ रहूंगा, तो इसमें सिक्योर रहूंगा, तो इसमें, इसके लिए ये जो दोनों चीजें हैं कौन कौन सी, एक तो माय गुड राइट हैंड, मेरी जो हार्ड वर्क है वो, मेरी कठोर मेहनत है वो, और दूसरी कि मेरी, मेरे जो सेल्फ हेल्प है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है वो, ये दोनों ही मुझे, मुझे फेड भी करेंगी, खिलाएंगी भी, और ड्रेसअप भी करेंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है MC में के 40 में के हैं, वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन। अब पोइट आगे कहता है, जब मैंने ऐसा डिटरमाइंड कर लिया, इन दोनों चीजों पर मैंने बिलीव कर लिया, और मैंने कठोर मेहनत करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं अपने दुखों से, अपने सोरोज से, और अपनी अपनी जो कंप्लेन्स हैं, या फिर अपने फॉर्चून डिस्पाइट के बावजूद, ये जो सारी चीजें हैं, सोरोज हैं, इन सब से मैं सफरिंग से ऊपर उठा, रेस्ड हुआ, और मेरे अच्छे दिन आ गए। तो वैसे ही देखिए, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो वो दोस्त जो कि मुझे छोड़ गए थे, लेफ्ट कर गए थे, कैम बैक, वो वापस आ गए, एवरीवन, हर कोई, यानी सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स मेरे पास वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और वो डार्केस्ट यानी अंधेरे में जो सिर्फ मेरे सलाहकार थे, मुझे मनी देने की अपेक्षा लिप सिंपैथी दिखा रहे थे, ऐसे जो मेरे डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन। वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे थे, एक चमकते हुए सूर्य की तरह दिखाई दे रहे थे, सन की तरह दिखाई दे रहे थे। अगर वो मेरे साथ शायद ऐसा नहीं करते, तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, अपने सोरोज से नहीं उबर पाता। तो एक तरीके से, एक मैनर में तो पोइट क्या कर रहा है, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ उसे सलाह दे रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे, उनको थैंक्स कहता है कि उन्हीं की वजह से आज वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करके यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचा है। आगे वो कहता है, आई नीड देम नो मोर। लेकिन अब पोइट है, अब जो पोइट है उसके पास, खुद के पास क्या हो चुका है, जो पर्सन है उसके पास, खुद के पास खूब मनी हो चुकी है, वो वेल्दी बन चुका है, खुद प्रॉपर्टी उसके पास आ चुकी है, तो वो कहता है, आई नीड देम नो मोर, अब ऐसे दोस्त की मुझे कोई जरूरत नहीं है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये सारी बात वो सब भी जानते हैं। इसमें दूसरे सेंस में पोइट ये भी कहना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि अब उसके पास, उनसे, अब जो पोइट है वो उनसे कोई हेल्प, कोई मनी नहीं लेना चाहता है, नहीं उनकी ये जो लिप सिंपैथी है उसकी उन्हें जरूरत है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ऐसी बातें वो सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कंपेनियंस हैं, वो भी समझते हैं, जानते हैं। आई थिंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं सिर्फ अपना जो थैंक दी, यानी मैं दी यानी यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, आई ट्रस्ट दी, मैं उसे ही विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ, माई गुड राइट हैंड, सिर्फ मेरी कठोर मेहनत, मेरा हार्ड वर्क और मेरा सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्हीं को मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्हीं को मैं थैंक्स देता हूँ और ट्रस्ट करता हूँ, और इन्हीं के बलबूते पर आज मैं अपनी ये जो सोरोज है इनसे उबर पाया हूँ। इस प्रकार ये जो पोइट है अपनी इस छोटी सी पोएम के माध्यम से
जो ह्यूमन बींग्स हैं उन लोगों को हार्ड वर्क की जो मोरल है वो पढ़ाना चाहता है। थैंक यू।